गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? तो दोस्तों, फिलहाल मैं टेरेस पर आया हूँ और आज हम अल्ट्रा वाइड में शूट कर रहे हैं। तो मैं अल्ट्रा वाइड में शूट करता ही नहीं हूँ, लेकिन आज ट्राई करके देखते हैं अल्ट्रा वाइड में कैसा आता है। पूरी फ्रेम आनी चाहिए ऐसा मुझे भी लगता है, लेकिन क्या करें, मोबाइल को रियर कैमरे से शूट करना पड़ता है और दिखता नहीं है, कैमरे में देख के ही शूट करना पड़ता है सब। तो फिलहाल मैं टेरेस पर आया हूँ। BSNL वाले ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो डालने आते हैं, उनका कॉल आया था कि आपके एरिया में हमने वायर डाल दी है, यहाँ पर एक पोल है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला पोल और ये वायर डाल के गए हैं, आप देख सकते हो ये छोटी 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 अंदर। तो वायर डाल के गए वो और बोल रहे थे कि हम बहुत थक चुके हैं, कल आते हैं, तो आज आने वाले हैं, देखते हैं आज कनेक्शन मिलता है कि नहीं। मिल जाना चाहिए इसी उम्मीद है। और जो मेरे पास राउटर है दोस्तों, उन्होंने जीत दिया था पहले, तो वो सिंगल बैंड का था और मुझे चाहिए था डुअल बैंड का। तो देखते हैं अभी एक्सचेंज करके देते हैं क्या नहीं, ज़्यादा पैसे लेंगे ऐसा लगता है, बहुत प्राइस बोलते हैं। ऑनलाइन कम प्राइस में मिल जाता है डुअल बैंड राउटर, होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सिंगल बैंड ही रहना देना पड़ेगा। तो देखते हैं, जब आएंगे तब मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा, तो मिलेंगे बाद में। तो देखिए गाइज, यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन का काम चालू है। जो केबल है वो यहाँ तक आ गई है और ये सीढ़ी देखिए कितनी बड़ी है, इस पर चढ़ जाते हैं ऊपर। और ये भाई साहब, तीन भाई साहब हैं, वो बिठाने का काम कर रहे हैं और बाद में इंस्टॉलेशन वाले दूसरे आएंगे। और ये अभी केबल है, अपने घर के ऊपर डाल देंगे। और इनके पास देखिए कितना बड़ा ये मशीन है, इसमें ये वायर कट करते हैं और जॉइन करते हैं, जो ऑप्टिकल फाइबर रहती है वो इस मशीन से। अब ये जॉइन करने का काम कर रहे हैं और एक बॉक्स बिठा देंगे यहाँ पर। क्या बोलना है, देखिए मशीन के अंदर डाल दी, अब ये जॉइन हो जाएंगे, दो केबल एक एक वायर में जॉइन कर देते हैं वो। और ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर कितने सारे, यहाँ पर तीन कनेक्शन है, तो एक पीछे वायर डालने का काम चालू है, एक बाजू में, और एक हमारे नीचे लेके जाएंगे यहाँ से वायर। तो दोस्तों अभी नीचे आ गए हैं और यहाँ पर ये वायर कटिंग का काम चालू है, तो मोडेम है उसमें बिठाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे वो लोग। दोस्तों अभी मैं मेरे दोस्त के पास आया हूँ पीछे, उसका कनेक्शन बिठा दिया है, तो उसने डुअल बैंड वाला राउटर परचेस किया है और उसके पास भी एक स्मार्ट टीवी है, देख सकते हो आप। तो उसका कनेक्शन ये अभी सेटअप कर दिया है उन्होंने। और ये राउटर दिखाता हूँ मैं आपको, ऑल इन वन राउटर है मोडेम, इसमें पॉन का सॉकेट भी मिल जाएगा आपको। और ये देखिए USB लगाने का सॉकेट भी है। FTTX कंपनी का राउटर है, ओनो राउटर है दोस्तों। और देखिए ये 4K वीडियो प्ले हो रहे हैं उसमें अच्छी तरीके से, कलर्स देखिए कितने अच्छे आ रहे हैं। तो अभी घर पर चलते हैं, कनेक्शन बिठा दिया है उन्होंने। अभी ये लैन केबल टीवी को अटैच कर देंगे हम, येलो वाली एक यहाँ पर लगाएंगे इस जगह पर, और एक ये वाली टीवी को लगा देंगे अंदर। और जो ये लाइन आई है वो पीछे एक छोटा सा ये डब्बा दिया है उन्होंने, टीवी के पीछे रख दिया है, देखो ये वाइट वाला। तो देखिए गाइस, अल्ट्रा वाइड कैमरे का आप इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हो। टीवी के पीछे मैंने मोबाइल डाल दिया, वो सॉकेट कहाँ पे एग्जैक्ट देखने के लिए, तो ये देखिए साइड में ये सॉकेट है इसका, इथरनेट का। गुड मॉर्निंग गाइस, आज सेकेंड डे है और कल तो बहुत देर हो चुकी थी, वो कनेक्शन लगवा दिया था और टीवी में भी प्रॉब्लम आया था, एक मैंने वीडियो बनाया है तो आप देख सकते हो, चैनल पर मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों सिंपली ये इंस्टॉल कर दिया है, आप देखिए ये राउटर, मॉडेम राउटर, दो एंटीना और ये केबल, लैन केबल यहाँ से आई है और इस तरह से उन्होंने निकाल दी है। वाइट वाली डिश टीवी की है और ब्लैक वाली अपना BSNL फाइबर की केबल है। अभी हम देखते हैं इसका स्पीड कैसा चलता है, यूट्यूब में जाएंगे सिंपली। कोई 4K वीडियो प्ले करके देखेंगे, तो ये वीडियो प्ले करेंगे हम। रेजोल्यूशन देखते हैं कैसा चल रहा है, सेटिंग में जाएंगे और देखिए 4K में प्ले हो रहा है, साउंड मैंने म्यूट कर दिया है कॉपीराइट की वजह से, और बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ चल रहा है दोस्तों। ये देखिए बर्ड्स, तो देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से स्मूथ 4K वीडियो प्ले हो रहे हैं दोस्तों इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन पर। और
और ये डिफॉल्ट प्लान है मेरा, जो बेसिक प्लान आता है 449 का, 30 MBPS वाला, तो वही चल रहा है जो पहले चल रहा था, वही घर पे भी चल चलिए रहा है। दोस्तों, ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाया है तो इसे थोड़ा सा अपडेट भी कर लेते हैं। सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में नहीं, प्ले स्टोर में जाएंगे, ऐप्स में जाएंगे सिंपली, उसके बाद ये गेट मोर ऐप्स, क्या डाउनलोड करना था मुझे, फेसबुक, डिज्नी हॉटस्टार, बहुत सारे आपको एप्लीकेशन मिल जाएंगे, गेम्स भी मिल जाएंगे, देख सकते हो आप। तो पहले जो डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं ऊपर देखिए, ऐप्स में जाना है, वो अपडेट कर लेंगे, नहीं ऐप में नहीं, सॉरी, हाँ देखिए अपडेट्स 17 ऐप पेंडिंग पर है, अपडेट ऑल पर क्लिक कर देंगे, उसमें देखिए बैकड्रॉप, ड्रीम, जी बोर्ड, गूगल इनपुट, सब सिस्टम क्या है, एंड्रॉयड टीवी होम, एंड्रॉयड सिस्टम वे व्यू। दोस्तों इसे तो ज़रूर अपडेट करना है आपके टीवी में होगा तो, क्योंकि ये मेन रोल करता है एंड्रॉयड सिस्टम व्यू का। सॉरी, अपडेट ऑल पर क्लिक करेंगे और एक एक ऐप अपडेट हो जाएगा। कितना देर लगता है अभी देखते हैं, 11 बजे, अभी 11 बजने को 5 मिनट बाकी है। ये देखिए क्रोमकास्ट अभी अपडेट हो रहा है, बहुत अच्छा स्पीड दे रहा है दोस्तों, सिर्फ इंस्टॉलेशन का थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इसमें अपना स्नैपड्रैगन नहीं है ना। अभी देखते हैं कितना देर लगता है, मैं आपको थोड़ी देर पर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी ऐप जो सारे अपडेट कर दिए मैंने, और 5 मिनट, 10:55 पर अपडेट को लगाया था, 5 मिनट में वो 17 ऐप्स थे वो सारे अपडेट हो चुके हैं, और आप देख सकते हो स्पीड कैसा दिया राउटर ने, और इंस्टॉलेशन भी 5 मिनट में कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको भी कुछ प्रॉब्लम होगा, आपको भी कनेक्शन लगवाना है, तो नीचे कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। मॉडेम के बारे में, राउटर, ONU के बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, वो भी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों आपको कोई और वीडियो चाहिए इसके बारे में, तो नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हो। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, थैंक यू।